नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नेहा वर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं नवरात्र विशेष के इस खास कार्यक्रम में। सर्वप्रथम आप सबको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्र का पहला दिन और नवरात्रों की शुरुआत माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की उपासना से की जाती है। माँ दुर्गा की आराधना का पर्व है नवरात्र। माँ के नौ रूपों की भक्ति से हर मनोकामना पूरी होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माता दुर्गा नौ दिनों के लिए माँ दुर्गा अपने भक्तों के दुख दूर करने पृथ्वी लोक में आती है। इन दिनों में यदि विधि विधान से माता की आराधना की जाए तो वह प्रसन्न होंगी और सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी। शारदीय नवरात्र में नौ दिनों में माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचरणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुशमांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और सिद्धिदात्री सब रूप का दर्शन पूजन किया जाता है। नौ शक्तियों के मिलन को नवरात्र कहते हैं। नवरात्र में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में विधि के लिए उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन और योग साधना करते हैं। नौ दिनों तक दुर्गा सप्तमी का पाठ, हवन और कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। अपार शक्ति की देवी माँ दुर्गा की पूजा को समर्पित शारदीय नवरात्रि 29 सितम्बर दिन रविवार को शुरू हो रही है। रविवार को कलश स्थापना विधि पूर्वक होगी, फिर नवरात्रि के व्रत प्रारंभ होंगे। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के व्रत और पूजा के लिए विशेष तैयारियां करनी होती है। कलश स्थापना के लिए कलश, धूप, दीप, मौली, कपूर, नवेद्य, माता की मूर्ति या तस्वीर, गाय का घी, शहद, शक्कर, लाल चुनरी, फल आदि की व्यवस्था करनी होती है। माँ शैलपुत्री को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अगर हमारे जीवन में स्थिरता और शक्ति की कमी है तो माँ शैलपुत्री की पूजा अवश्य करनी चाहिए। महिलाओं के लिए तो माँ शैलपुत्री की पूजा काफी शुभ मानी जाती है। देखिए नवरात्रों को लेकर हमारे संवाददाता महक शर्मा की पंडित जी से खास बातचीत। आइए जानते हैं पंडित जी ने नवरात्रों को लेकर क्या कुछ कहा। नमस्कार, मैं महक शर्मा और आप सभी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त मैं हूँ पंडित जी के साथ और मैं जानना चाहूंगी पंडित जी आपसे कि नवरात्रि में किस तरह से जोम बीजी जाए और किस तरह से माता रानी को याद किया जाए, किस तरह से हम माता रानी का पूर्ण रूप से आशीर्वाद ले सकते हैं। पहले तो मैं आपको जय माई की कहूँ, आदि शक्ति का पर्व और ये पर्व मनाया जाता है दुष्ट शक्तियों पे राम की विजय का। राम ने माई से शक्ति प्राप्त की, संधान किया और रावण पे विजय प्राप्त, जो दशमी के दिन कहा जाता है, दशहरा मनाया जाता है। ये आदि शक्ति नौ दुर्गा ही क्यों कहते हैं, नव दुर्गा या नौ दुर्गा ही क्यों कहते हैं। नौ दिन नवरात्रे नौ रातों का, ऐसा नहीं है कि आप रात को ही पूजन करें, इसमें आप दिन में भी पूजन कर सकते माई का। और इसमें जो माँ का है रूप, अगर आप मंत्र पढ़ो, मैं मंत्र बोलता हूँ, सबको पता है, एं रिं क्लिं चामुंडाय विच्चै, जिसमें नौ ही शब्द हैं, एं रिं क्लिं चा म द वि च आदि शक्ति, जो एक शक्ति बहुत जबरदस्त मानी जाती है, इसका हम सब पूजन करते हैं और अपनी कठिनाइयों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। और इसमें तो ये कहा जाता है कि कैसे प्राणी मात्र अपने अपने तरीके से अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार माँ का पूजन करता है, तो उसमें ये देखा जाता है कि किस तरह से करें। आप ग्रस्त हैं, मैं साधारण रूप से बता देता हूँ कि आप एक कलश ले आए, कई लोग बर्तन का भी कलश रख लेते हैं और कहीं मिट्टी का ले लेते हैं, तो कोई भी ले ले, उस पर एक तरफ सतिया बना ले गणपति जी का रूप, एक तरफ श्री लिख दे माँ का नाम और उसको पहले जल में डुबो के रखे एक रात, क्योंकि वो मिट्टी का तो पानी पिएगा। ऐसे ही आपने कोई बर्तन लिया मिट्टी का जो बोने के, जो में बड़ी विचित्रता है, उससे हमें आगे के अपने जीवन का, भविष्य का, छह महीने का पता चल जाता है कि कैसे हरे भरे हुए,
और ये जो इसके जो बोए गए हैं, जो वो उगते हैं, तो माँ का ही अंश माने जाते हैं। जो हमने कलश लिया उसमें भी माँ के ही शक्ति को हम मानते हैं। तो जो जल है उस कलश में वो भी माँ की शक्ति का ही प्रतीक है। जितनी भी चीजें माँ के आगे आपने रखी है सब की सब माँ की शक्ति की प्रतीकात्मक है। तो इसमें पहले आप उस पे सतिया बना ले गणपति जी का, गणपति जी का कोई भी मंत्र पढ़ते हुए सतिया बना सकते हैं। फिर माई का कोई भी, दुर्गा का कोई भी मंत्र जो याद हो वही पढ़ लें और श्री लिख लें। उसके बाद जौ को भिगो लें, भिगो के जो थोतापन होगा ऊपर तैर जाएंगे हल्के जो उसको बाहर कर दें और मिट्टी को जरूर छान लें। उसमें मिट्टी इतनी रख दें कि ऊपर थोड़ी सी जगह रह जाए, जौ को फैला दें उसमें भिगे हुए को, उसके ऊपर फिर मिट्टी डाल दें और छिड़क के पानी डालें, सीधा पानी ना डालें, और उसको किसी छलनी वगैरह से ढक दें। जब भी आप अगले दिन पूजन करें उनको थोड़ा छींटा मार दें खोल, क्योंकि उसमें माँ की शक्ति है। तो तीन दिन में वो उग आएंगे, उसके बाद छलनी हटा दीजिए बेशक आप। तो नित्य नियम आप उसका पूजन करें ऐसे जो बीजने हैं, और कलश में आप आम के पत्ते, और सबसे पहले मैं बताऊं कि नारियल को सीधा नहीं रखा जाता, उसमें आप मूली लपेट रहे हैं तो मूली लपेट के यूं लेंथ वाइज उस पर रखें और उसको भी माँ का प्रतीक माने। कई लोग परंपरा अनुसार अष्टमी करते हैं, कई लोग नवमी करते हैं। माँ के दो रूप है, एक कुमारी का एक सौभाग्यवती का। अब आप उसको किस रूप में ध्याते हैं ये आपकी परंपरा के अनुसार, घरेलू परंपरा जो चली आ रही है उस पे निर्भर करता है। पंडित जी, मैं यहीं पर आपसे फिर से जानना चाहूंगी कि कई लोग माटी में मिट्टी जिसको हम बोलते हैं जो बेचते हैं, और कई लोग रेत में बेचते हैं, तो किसमें ज्यादा सही है बेचना? ऐसा नहीं है, मिट्टी आप किसी शुद्ध जगह से ले लीजिए, खुदी हुई किसी के खेत की, और ऐसी जगह ढूंढिए कि वहाँ वो ना हो रहा हो। और रेत में भी बीज देते हैं, इसमें कोई वो फर्क नहीं आता, सिर्फ बीजने का है। रेत में भी कुछ मिट्टी के कण है, वो एक वो और उसको उपजाना है हमने, जो को माँ की शक्ति है उसमें। हाँ आपको ये बता दूँ, उस जो में कोई ना कोई जो सफ़ेद निकल आता है, ये कईयों को नहीं पता, बहुत विचित्र बात है। उसको हम लक्ष्मी का मान लें और उसको निकाल के हम किसी बच्चे के लॉकेट में या उसमें ताबीज में भर के वो रख देते हैं। वैसे जो वैसे भी भर लेने चाहिए, क्योंकि आपने नौ दिन पूजा की है माँ की, उसमें माँ का अंश विद्यमान है। कुछ तोड़ के आपने उधर रख दिए, कुछ प्रसाद स्वरूप बच्चों को दे दिए, बच्चे अपनी बुक्स में रख लें उनको, तो माँ की कृपा उन पर रहेगी। लोग अगर करना भी पड़े तो उसको उचित स्थान पर डालिए, या तो मिट्टी में गड्ढा खोद के उसको दबा दीजिए, या उसको प्रवाहित कर बाकी बच्चों को। जी पंडित जी, ये तो रही पूजा अर्चना की बात जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो लोग उपवास रखते हैं उनको किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए? उपवास में बहुत ये है कि आप सबसे बड़ा तो बकवादी ना हो व्रत के समय, कि आप बोले जा रहे हैं, तरह तरह की बातें किए जा रहे हैं और किसी भी समय कुछ ही खा पी रहे, यह नहीं है। इसका समय निश्चित है, आपने एक त्याग किया माँ के लिए, और साइंटिफिकली ये समझ लिए कि अपनी बॉडी को आप शोधित कर रहे हैं, क्योंकि नवरात्रे आते हैं ऋतु परिवर्तन के बाद। ऋतु परिवर्तन जब भी होता है तो माँ के नवरात्रे आ जाते हैं। दो गुप्त नवरात्रे हैं, आषाढ़ के और माघ के। इसको लोग जो अनुष्ठान करते हैं, तांत्रिक है जो भी है, माँ के भक्त है परम, वो गुप्त नवरात्रे भी कर लेते हैं, साल में चार होते हैं। ये ग्रस्त करते हैं तो इसमें उपवास में सबसे पहले तो आप जमीन पे सोए, दरी बिछा के, ज्यादा आप वार्तालाप ना करें, मौन रहें, माँ का सिमरण करते रहें, क्योंकि माँ के दिन है। आपने उपवास किसके लिए किया? उस माई के लिए। तो उसका सिमरण करें, उससे आप प्रार्थना करें कि मेरी कठिनाइयों को, मेरी दरिद्रता को दूर करवाएं, तो उसकी कृपा रहे। शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी, और इस तरह से अगर आप पूजा अर्चना करते हैं तो आपको माई का आशीर्वाद जरूर मिलेगा।
अब हम आपको बताते हैं माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी और दक्ष की पुत्री थी। एक बार जब दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन कराया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, परंतु भगवान शंकर को नहीं बुलाया गया। उधर सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो रही थी। शिवजी ने उनसे कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है लेकिन उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो वहां उन्होंने भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव देखा। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे सती के मन में बहुत पीड़ा हुई। वे अपने पति का अपमान सह ना सकी और यज्ञ की अग्नि से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरी और समाचार एक्सप्रेस की टीम की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।